नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी लाखों का दवा काम नहीं करता है, 10 रुपया की दवा से बड़ा बीमारी ठीक हो जाता है। तो हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरीके से यह है पपीता का पत्ता। खतरनाक बीमारी डेंगू का रामबाण औषधि है। बहुत से लोगों को मलेरिया बुखार डेंगू बुखार पकड़ लेता है, जल्दी छोड़ता नहीं है। इलाज कर कर थक जाते हैं और बहुत सारे पैसा भी बर्बाद कर जाते हैं, और ठीक होने के बाद भी कमजोरी परेशान करता है, सताता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर सफेद खून कम हो जाता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लेटलेट्स कहते हैं, यानी सफेद खून। दोस्तों पता है, सफेद खून हमारे खून के साथ मिलकर दौड़ता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, पावर देता है। अब जब हमारे शरीर को पावर देने वाला, ताकत देने वाला चीज ही कम हो जाएगा, यानी सफेद खून प्लेटलेट, तो समझ लीजिए हमें कोई भी बीमारी तुरंत पकड़ लेगा और हमारे जीवन का खतरा हमारे सर पे मंडराता रहेगा। तो दोस्तों अगर शरीर में सफेद खून घट जाए तो आप बिल्कुल न घबराए, आपके महंगे इलाज से कई गुना फायदेमंद होता है यह पपीता का पत्ता। आप इस पपीते के पत्ते को तोड़कर पत्थर के सिल में पीस कर इसका 15 ml जूस निकालिए, रस निकालिए और दिन में 3 बार सेवन कीजिए। तो पता है दोस्तों क्या होगा, मात्र दिन में 3 बार के सेवन में 2-3 दिन के अंदर आपको भरपूर पावर आ जाएगा। आपके अंदर घटा हुआ सफेद खून बढ़ जाएगा, जितना जरूरत है उतना पूरा मिल जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह पपीता का पत्ता डेंगू बुखार वाले रोगियों के लिए, और इस बात को बड़े बड़े डॉक्टर भी मानते हैं और अपने पेशेंट को कहते हैं कि आप पपीता के पत्ते को दिन में 3 बार सेवन कीजिए। दोस्तों यह साधारण से दिखने वाला पपीता का पत्ता साधारण नहीं है, एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का पेड़ है, पौधा है। इस पेड़ के पोर पोर आयुर्वेद औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो दोस्तों हम और इस पेड़ के फायदे के बारे में जाने कि आखिर और किस किस काम में यह आ सकता है। दोस्तों यह डेंगू बुखार टाइफाइड बुखार के अलावा और भी कई बीमारियों को नष्ट करता है। जैसे मान लीजिए किसी को बवासीर का मासा हो, तो उस बवासीर के मासे में इस पपीता के पत्तों को तोड़ने के बाद जो दूध निकलता है, उस दूध को बवासीर के मासे पे अगर लगा देंगे तो बवासीर का मासा झड़ जाता है, गिर जाता है टूटकर। इतना फायदेमंद होता है यह पपीता के पत्तों से निकला हुआ दूध। दोस्तों इस पपीता के और भी फायदे हैं। अगर किसी की त्वचा रोग हो, दाद खाज खुजली हो, एक्जिमा हो, अकवत हो, अपरस हो, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, तो आप उस त्वचा रोग पर पपीता के दूध को लेप कीजिए, लगाइए, तो आपका वह त्वचा रोग नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ज्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का से लगाना, क्योंकि यह पपीता का दूध जो है गोश्त को गलाने का भी काम करता है। बड़े बड़े होटलों में पपीता के दूध से ही गोश्त को, मटन को गलाकर बनाया जाता है, ताकि उन्हें समय भी कम लगे और ईंधन की बचत भी हो, यानी कम खर्चे में वह ज्यादा ज्यादा मटन बनाकर होटलों में बेच लेते हैं। दोस्तों जितना फायदेमंद होता है पपीता का पत्ता, पपीता का दूध, उतना ही फायदेमंद होता है पपीता फल। आप लोग तो हमेशा खाए ही होंगे। दोस्तों पपीता के फल के सेवन करने से पाचन क्रिया मजबूत होता है, खाया पिया तुरंत हजम हो जाता है। दोस्तों पके हुए पपीता के सेवन से हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ते हैं, जिसके वजह से हम बीमारी से लड़ते हैं और जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए हमें रोज के खाने में पके हुए पपीता को जरूर शामिल करना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, यह शरीर के बल को भी बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों बवासीर रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है पका हुआ पपीता, इसके सेवन से कब्ज दूर होता है, पेट साफ होता है, और जब पेट साफ होता है तो बवासीर रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों पपीता तो है बड़ा कमाल का, और हम अपनी महत्वपूर्ण जानकारी यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।